वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। जी हां, ये जो मेरे पीछे दृश्य देख रहे हैं ये ना तो उत्तर प्रदेश की है ना ही मध्य प्रदेश का खरगोन है, बल्कि ये दिल्ली है। दिल्ली का हिस्से का ये जहांगीरपुरी का इलाका है जहां का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां आज सुबह करीब 10 बजे प्रशासन का बुलडोज़र चला है और ये वो पहला हिस्सा है जिसे प्रशासन के जेसीबी ने गिरा दिया है। इसके बाद से लगातार कार्रवाई हो रही थी, हालांकि कुछ देर के बाद ये खुलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर रोक लगा दिया है, क्योंकि कल इस जहांगीरपुरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आप जब इस पूरे इलाके का दृश्य देखेंगे तो चारों तरफ पुलिस की चहलकदमी है और आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल फोर्स दिखेंगी, और लोग जो हैं वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने चीज़ों को खुद बखुद तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, इसीलिए वो अपनी चीज़ों को हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दृश्य हमें देखने को मिला है। हम कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों पक्ष की क्या सच्चाई है वो आपके सामने लाया जाए और लोगों से पूछा जाए कि वो इस पूरे मसले पर क्या सोच रहे हैं। आप कैमरामैन से कहूंगा कि वो आकर के चीज़ों को दिखाएं किस तरीके से यहाँ का इलाका आप देख सकते हैं। पहले तो एक चीज़ आपको बता दें कि ये पूरा इलाका जो है यहाँ ज़्यादा तौर पे कबाड़ के काम होते थे और उसकी बानगी आपको देखने को मिलेगी कि पूरे इलाके में कबाड़ बिखरे पड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिस्से की चीज़ों को हटा लिया है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी सड़कों पर पड़ी हुई हैं। वहीं प्रशासन अभी भी मुस्तैद है और लोगों से लगातार ये अपील कर रहा है कि वो शांति बनाए रखे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं। देखिए, पूरा बिखरा पड़ा है। कहते हैं ना कि जब से हनुमान जयंती की घटना हुई उसके बाद से इस पूरे इलाके में प्रशासन और प्रशासनिक कार्रवाई इस तरीके से एक्टिव हुई कि अब चीज़ें ध्वस्त होती नज़र आ रही हैं। किसी भी तरीके का गैर कानूनी निर्माण यहाँ पर नहीं रखा जा सकता और इसीलिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, उनका अपना मत क्या है इस पूरे मसले पर। अगर राष्ट्रहित में अवैध कब्जा कीजिएगा तो उस पर तो चलेगा। एक बात, अवैध कब्जा करने वाली यहाँ बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि जब हिंदुस्तान में रोजगार ही नहीं है, जब आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर रोजगार की कमी है, तो इंसान मजबूरी में क्या करेगा? एक स्टॉल नहीं लगाएगा क्या चाय की? जब प्रधानमंत्री चाय बेच बेच के रेलवे स्टेशन पे वहाँ पहुँच सकता है, हम सड़क के किनारे चाय की स्टॉल तक नहीं लगा सकते? चाय के स्टॉल की बात नहीं है ना, पूरा का पूरा। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी है तो सड़क पर कब्जा करने के लिए है। सड़क पे कब्जा करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे पास और ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट ने क्या ऑप्शन छोड़ रखा हमारे लिए? आप मुझे ये सवाल का तो जवाब दो। आप क्या कह रहे थे कि पूरे देश में? पूरे देश में तो रेडी पटरी करके गरीब आदमी कमा के खा रहे हैं, तो कहाँ जाए बताओ? जाना कहाँ है? सड़क पर आप आ जाइएगा तो ये सही है। अगर रेहड़ी पटरी लगा, ऐसा है ना, सड़क देखो हर जगह काम धाम है ही नहीं। कहीं भी सड़क में जाओगे तो वहाँ आपको रेहड़ी पटरी मिलेगा ही, दो पैसा कमाने के लिए गरीब आदमी रेहड़ी पटरी मिलेगा ही। आप कहीं भी जाके घूम लो बताओ। हाथ पैर की बात नहीं है, देखिए कानून के हिसाब से सबको चलना है। और एक बात मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी टाइप के लोग हैं, बहुत सारे हमने बात किया उधर, वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग बांग्लादेशी टाइप के, उन्होंने कब्जा कर रखा है तो वो अपना कार्रवाई करेंगे। जो बांग्लादेशी है उसको ढूंढेंगे, जो बांग्लादेशी है उनको ढूंढेंगे। तो एक बात बताइए, जब अगर प्रशासन का बुलडोजर चलता है तो यही चीजें आप हटा लेते हैं, तो आपको कहना चाहिए ना कि अगर मेरा रोजगार है तो नहीं हटा। बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन आइए आपको बहुत सारी चीजें दिखाते हैं इधर। और देखिए, ये बिखरा पड़ा है, ये वो चीज़ें हैं जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि वो रोजगार के नाम पर ये कब्जा कर रखे थे, तो रोजगार के नाम पे कब्जा तो नहीं चलेगा। और दिल्ली ने एक बार ये साफ कर दिया है कि देश की राजधानी में भी अगर अवैध निर्माण कीजिएगा तो यहाँ भी बुलडोजर चलेंगे।